भैया आपको ढेर सारी बधाई, आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले जन्मदिन के इस अवसर पर मैं सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज ही देखा हूँ सोशल मीडिया पे तमाम हमारे दोस्तों ने जबरदस्त शेयर किया पोस्ट को और पोस्ट डाला भी, कमेंट आए अच्छे अच्छे, बहुत आज दिल खुश था। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सबको मैं स्वयं देना चाहता हूँ इसके लिए कि आपका प्यार और आशीर्वाद जो आज मिला है और इसी तरीके से निरंतर मिलता रहे, यही हमारी कामयाबी का। बात करें जो फिल्म आपके अलावा मोहरंग दे प्यार के रंग सजना और अभी डबिंग कंप्लीट हो गई बा और टीजर कब तक आता और ट्रेलर कब तक आता, उसके बारे में कुछ बताओ। टीजर आप बहुत जल्द देखने मिलेगा क्योंकि ढाई महीने तो लॉकडाउन बॉम्बे में रहा, उससे काफी परेशानी आप देख ही रहे हो भोजपुरी समाज पे, क्या पूरे इंडस्ट्री में हिंदी तो और ज्यादा डेढ़ साल से रुकी गई है सारी फिल्म तो, लेकिन भोजपुरी तो चलता रहा आज, तो टीजर आपको जल्द देखने मिलेगा। हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो गई, डबिंग कंप्लीट हो गई, जो भी ये पोस्ट प्रोडक्शन में काम होते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर सारी चीजें करीब करीब हो चुकी हैं। अब बचा है टीजर कटने का और सेंसर के लिए, वो काम 10 से 12 दिन का है। जो आज ये चेहरा जो लुक आया, क्या जो फिल्म आगे आने वाली है उसका कुछ लुक है कि अलग? ये प्यार से हमको इस लुक को बनाना पड़ा, मैं तो बहुत ही हेल्दी था, मैं 92 kg 23 से 71 kg पहुंचा हूँ, तो अगर ये फिल्म लाइन का ना सोचता तो मैं भी 100 किलो तक भी जा सकता था, लेकिन एक और क्योंकि भाई हीरो को तो हीरो की तरीके से रहना पड़ता है, तो इसी नाते इस शरीर को इसी तरीके से बनाना पड़ता है, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बने के लिए। बात करें कि जो पहला फिल्म था मोहरंग दे प्यार का रंग सजना, उसमें तो तनु श्री जी के साथ में रोमांस में आप नजर आए और दूसरी फिल्म आप बबली नायक जी के साथ, क्या तीसरी फिल्म किसके साथ आ रहे हैं कुछ बताना चाहेंगे? तीसरी फिल्म का राज है, आप देखते हैं किसके भाग में जाता है। वो एक स्वयंवर जैसे था, तो सीता का स्वयंवर था, इधर आपकी संग्राम का स्वयंवर है फिल्म के लिए मेरे शादी के लिए, और इसमें कई लोग लगे हुए, अब देखिए किसके खाते में ये जाता है, क्योंकि मेरा होम प्रोडक्शन फिल्म है ये, तो मेरे हिसाब से क्योंकि अभी मोहे मतलब जनता दरबार मेरा होम प्रोडक्शन था, नहीं तो जैसा भाई प्रोड्यूसर ने जो हीरोइन रखा मैं उसके साथ काम किया, लेकिन ये अवध गंगा फिल्म मेरा अपना बैनर, अब देखते हैं किसके खाते में जाता कौन है, राज है कौन सी फिल्म तो है, ज्यादातर आर्टिस्ट फाइनल। हमारी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इस नचाए बीच बाजार, तो इसके नचा रहा है बीच बाजार, तो आप समझिए इसके मतलब कई हीरोइन है क्या नचा रही हैं आपको? ऐसा कुछ नहीं है, हीरोइन एक ही है, एक ही नचा देती है बहुत ज्यादा, तो बीच तो रखेंगे तो और नचना पड़ेगा, एक बीवी ही काफी रहती है पूरा जिंदगी भर नचाने के लिए। नहीं तो ऐसा क्या पुरुष मार्केट में, क्योंकि हीरोइन की सर्चिंग चल रही है, तो कौन आने वाली है, काजल आने वाली है कि रानी आने वाली है कि अमरपाली आने वाली, क्या तो सबसे चल रही है अमरपाली जी को छोड़ के सबसे चल रही है। और क्या बताना चाहेंगे अपने फिल्म के बारे में और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दो फिल्में तो हमारी आई जा रही है और इस नचाए बीच बाजार भी एक अलग लुक में आपको हम नजर आएंगे, और बहुत ही अच्छी फिल्म सामाजिक भी है और भाई नाम जैसा है तो फिल्म भी ऐसे ही रहेगी, लेकिन सामाजिक भी हमने इसमें काफी कुछ डाला है, तो बहुत ही अच्छा एक कहानी है, इसके बाद ही हमारा इस पर तैयारी चल रहा है। कौन कौन स्टार कास्ट है उठा उसके बारे में बता दें? अब इसमें हमारी फिल्म में संजय पांडे जी फिर रहेंगे, अयाज खान जी रहेंगे ही, ब्रजेश त्रिपाठी जी रहेंगे मेरे साथ, तो एक तरीके से हमारे परिवार हो चुके हैं और इन लोगों को तो मजबूरी है, प्रेम इन लोगों से इतना मिला मुझे, तो आगे और भी लोगों को मौका तो देंगे ही, और तमाम नए चेहरे को इस फिल्म के माध्यम से हमारे पास तमाम इस प्रोडक्शन से तमाम लोगों को अपेक्षाएं हैं आशाएं हैं, तो उस आशा के अनुरूप में खरा उतरूं, यही मेरे बैनर का और मेरा सच्चा होगा। बात करेंगे जैसे भोजपुरी शूटिंग अगर लखनऊ में शूट करते हैं, उत्तर प्रदेश में करते हैं, तो यहाँ के लोगों को काम नहीं देते हैं, काम भी देते हैं तो वो बहुत नॉर्मली खाली कहीं क्राउड में खड़ा कर देते हैं, कोई भी चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी, क्योंकि यहाँ के जो क्योंकि थिएटर से यहाँ क्योंकि तहजीब का कहा जाता है, यहाँ तहजीब और नाटक का सब कुछ है, लेकिन यहाँ के लोगों को उनको कलाकारों को जो है उनको अच्छा रोल नहीं मिल पाता उसमें, तो उसके लिए क्या अवध गंगा क्या करना चाहती है उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? अभी मेरे पास कल एक बच्चा सोनू राजा करके कोई आया था सिंगर गोंडा से, और उसने बताया कि मैं भैया फिल्म बनाने के उसमें गए, तमाम लोगों ने पैसा मुझसे ले लिया और कहीं फिल्म में खड़ा होने तक का मौका दिया, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसके शिकार हुए,
लेकिन मैं अवध गंगा फिल्म से वादा करता हूँ मैं आप लोगों से कि जैसा जिस रोल में लोग नजर आएंगे मैं लोगों का स्क्रीन टेस्ट बढ़िया होगा और डायरेक्टर भी रहेंगे और भी लोग रहेंगे देखेंगे तो उसी के हिसाब से उन लोगों को काम मिलेगा निश्चित उसमें कहीं बट नहीं है। किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा कि भीड़ में ले जा खड़ा करो ऐसा नहीं होने पाएगा। चलते चलते और क्या कहल चाहे अपने दर्शकों के चलते चलते यही है कि आज हमारा जन्मदिन है और आप लोग से बस यही चाहूंगा कि आप लोग का आशीर्वाद प्यार इतना मिले कि भोजपुरी जगत में एक नए आयाम एक नए ऊंचाइयों को मैं छू सकूं क्योंकि 14 साल के वनवास काटने के बाद मैं फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में आया हूं। मैं 2007 में बताया था कि मैं 2006-07 में पहली फिल्म बनाया लेकिन उसके बाद 14 साल का वनवास हो गया तो अब वनवास काट के आया तो आप लोग का आशीर्वाद और प्यार इतना मिले कि मैं काफी ऊंचाई आया। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन बात करने के लिए धन्यवाद।